आज हम आपको लेकर आए हैं छतबीर जू। तो यहाँ पर पार्किंग चार्जेस हैं स्कूटर के 10 रुपीज और थ्री व्हीलर कार्स के 20 रुपीज, बस के 100 रुपीज है, बाइसिकल का चार्ज फ्री है। यहाँ पर हमारी गाड़ी लगने का चांस हो सकता है, इन्होंने गाइड करा कि आगे वाली पार्किंग में पार्क कर दो। तो हम आगे पार्क कर रहे हैं और ये लोग देखो हैट पहन के आ रहे हैं आज तो है। ये देखो जाम आज इतना है, हमने सोचा नहीं था कि इतना जाम होगा। ये गाड़ी देखो कैसे खड़ी हुई है आराम से, वो भी उतर गया। फाइनली ये गेट खुल गया है, अब हमें यहीं पर पार्किंग मिल गई है जहाँ पर इन लिखा होता है जू में, जू पार्किंग है ये। वॉशरूम के चार्जेस है 5 रुपीज, तो पार्किंग चार्जेस हैं 20 रुपीज यहाँ पर। हेलो, आज हम आपको लेकर आए हैं छतबीर जू, चंडीगढ़ का छतबीर जू जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और मुझे लग रहा था ये चलता नहीं है, बट हालात देखो। और ये दिस इज द थर्ड पार्किंग, दो पार्किंग्स ऑलरेडी फुल है, थर्ड भी फुल ही थी, सड़क में भी फुल कर रखी है, सड़क भी फुल है, सब फुल है, मतलब ये हिट है, ये हिट है। मुझे लग रहा था शायद चलता नहीं है जू, बहुत हिट है। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। टिकट के एंट्री चार्जेस कितने आपको बताते हैं। और ये भी ये देखो प्लास्टिक फ्री जोन है, ये अच्छा इनिशिएटिव, प्लास्टिक फ्री जोन है। चेंजेस बहुत करी हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस करी हैं छतबीर जू में, मैं सदियों बाद आ रहा हूँ, मैं तो छोटे होते हैं। तो ये फ्री वाईफाई जोन है, ऑनलाइन टिकट्स भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे एंट्री टिकट 10 रुपीज है, और प्राइवेट स्कूल के टिल 5th 10 रुपीज है, और उससे अबव जो एज के बच्चे हैं उनकी 20 रुपीज पर हेड है। अडल्ट की जो टिकट कॉस्ट है दैट इज 100 रुपीज, और चिल्ड्रन जो है 3 to 12 ईयर्स उनकी 50 रुपीज है। वाईफाई कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, और 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल फ्री है ये इंटरनेट यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आप प्लास्टिक वगैरह तो नहीं कैरी करे, क्योंकि ये प्लास्टिक फ्री जोन है, और यहाँ पे जब चेक हो जाता है तो चेक का मार्क लगता है। तो यहाँ पर है बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉलीज, अबव 12 इयर्स के 60 रुपीज़ है, चिल्ड्रन के 3 टू 12 के भी 60 रुपीज़ है, बिलो 3 इयर्स के फ्री है, टॉय ट्रेन के 100 रुपीज़ चार्जेस है। तो ये इलेक्ट्रिक कार्स है, जिसको पैदल नहीं चलना, जो थक जाते हैं उनके लिए ये है, ये है, ये रहा छुपा हुआ है, इतना बड़ा हिल भी नहीं रहा, कैसा है ये। ये है पिक टेल, बंदर की ब्रीड है, टेल ही दिखा, डू नॉट फीड दीज एनिमल्स। लंगूर, कॉमन लंगूर, हाय लंगूर, ओ तेरी सच में लंगूर है। ये तो ऐसा लग रहा ऊपर चढ़ जाएगा, हाय डरा दिया इसने। शो है, शो मैन, सारे बंदर ही बंदर है, मेरे फेवरेट बंदर। वेटिंग फॉर एनिमल अडॉप्टर, मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें लिखा है तो है कि इसको अडॉप्ट करके घर ले जाए, लेकिन ऐसे बंदर को घर रखेंगे हम क्या? पब्लिक को तंग नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मकाऊ सेंट जॉन्स हाई स्कूल फॉर अडॉप्टिंग अस। इसने अडॉप्ट कर लिया, क्या सीन क्या है, मतलब क्या घर थोड़ी रखेंगे, यही रखेंगे इनको। अच्छा, उसका खाना पीना यहाँ पर, रोज बेचारे पिंजरे में ही, इनकी जेल है। एक और बंदर, बंदर बंदर, एक और बंदर वो सो रहा है बेचारा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा मौसम है कि हम इजिली घूम सकते हैं, धूप नहीं है, हम सोच रहे थे कि अम्ब्रेला कैरी करेंगे, हम अम्ब्रेला कैरी नहीं कर रहे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, और हम भी। तो आप यहाँ पर थक जाओ तो यहाँ पर आप छत के नीचे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स मीट द टाइगर, हमें यहाँ पर टाइगर ही नहीं दिख रहा, नो टाइगर, बंगाल टाइगर लिखा हुआ है, हैं। तो फाइनली हमें टाइगर मिल गया, ये रहा, आराम से सो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाता है आपको, सो रहा है। तो कुछ यहाँ पर रूल्स हैं तो ये फॉलो आपको करने पड़ेंगे। तो ये अडॉप्शन के बारे में लिखा हुआ है कि अडॉप्शन क्यों करनी चाहिए, ये इसके सबके चार्जेस हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं, कितने कॉस्टली है ना। सिलेक्ट योर फेवरेट जू, ये सारे डिटेल्स लिखे कि कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं एनिमल्स को। तो यहाँ पे एक स्कीम है कि आप अपना फेवरेट एनिमल या बर्ड अडॉप्ट कर सकते हो, लाइक हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं रखती, ये नहीं कर सकते, तो वो आपको इनिशिएटिव दे रहे हैं कि अगर आप अपना फेवरेट जानवर को अडॉप्ट करना चाहते हो, बेसिकली आई थिंक उनका जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो होगा, खाने पीने का खर्चा, और ईयरली वाला प्लान भी है इनका, मंथली वाला भी है, तो आपको हमने दिखाई दिया, गिफ्टिंग भी कर सकते हैं, बेसिकली इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट। मतलब हम किसी को पाइथन गिफ्ट करें, किसी को मंकी गिफ्ट, अरे आप दे नहीं रहे हो, वो यही टेक केयर करेंगे, आप जस्ट इनिशिएटिव, आप यू आर जस्ट पेइंग एंड टेकिंग केयर, जैसे हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं, रवीना टंडन ने बच्चे अडॉप्ट करे, पालता कोई और ही है, आप सिर्फ उनका खर्चा उठा रहे हो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। आई लाइक इट। व्हाइट टाइगर फाइनली उठ गया, उठ के देख रहा है,
दिन में ये 10 केजी बफेलो मीट खा जाता है। कितना खाता है? और इसका 2 लाख का खर्चा है साल का। बस ये 20 साल जीता है। मिलेगा हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। वेज दरियाई घोड़ा कहाँ है? दिख तो रहा नहीं है, ही नहीं। पतला हो गया, अब वो नजर नहीं आ रहा। गंदे पानी में रहता है ना, इसको साफ पानी पसंद नहीं है ना, तभी गंदे पानी में घुस गया। कैसे रह रहा है गंदगी में? आंखें देखो ऊपर दिख रही है इसकी। तो ये है हिप्पोपोटामस, जिसको इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, और ये इसके साथ एक बेबी भी है। यहाँ पर अब है एलिफेंट, टाइगर इधर था, यहाँ एलिफेंट है, और डायनासोर पार्क भी है 620 मीटर्स अहेड। डायनासोर पार्क भी आएगा, और मेरे नेफ्यूज मुझे याद आ रहे हैं क्योंकि वो डायनो डायनो करते रहते हैं, तो देखते हैं कैसा है। यहाँ पर विजिटर शेल्टर को क्लोज करा गया है, मे बी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कुछ करने वाले होंगे। और वो देखो एलिफेंट, दूर से दिख रहा है इतना बड़ा एलिफेंट। टीजिंग एनिमल इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर वॉशरूम भी है, और यहाँ पिकनिक भी बना सकते हैं। ममेलिया, यहाँ कोई भी नहीं है। इधर हाइना, इधर वुल्फ। वो रही कुत्ता क्यों लग रहा है? ऐसे ही होती है इंडियन वुल्फ। कुत्ता है कि वुल्फ है? कुत्ता ही लग रहा है मुझे। कुत्ता तो नहीं रख दिया? देखो कुत्ता ही लग रहा है, उसकी बस कटिंग वैसी करी हुई है। हेयर कट कर दी। हाँ, कुछ ही लग रहा है। कुछ नहीं भरोसा वरन धवन निकले। सिटिंग एरिया है, जू बस भी चलती है। देखो अभी वहाँ जाएंगे लायन सफारी में, और ये डायनासोर पार्क भी है। क्लोजिंग टाइम 5 PM। कैंटीन इस तरफ है, लायन सफारी डियर सफारी इस तरफ है। बस में भर के जाते हैं, और इसके रेट लिस्ट देख लेते हैं। 75 पर पर्सन है, ज्यादा नहीं है। डियर सफारी ठीक है, नॉमिनल ही है। खाने पीने के सारे रेट्स हैं, यहाँ पर खाना मिलता है। ये इंडियन वाइल्ड डॉग है, ये 2 है, एक के साथ एक फ्री। ये वेटिंग लिस्ट है, जहाँ पर हम बस में चढ़ेंगे, बस के अंदर बैठेंगे, यहाँ से बस में बैठ के लाइन देखेंगे। लाइन ओडियर, जो कि हमें रामनगर में कोई नहीं दिखा था। रामनगर में हमने टाइगर को ढूंढ रहे थे, एक डियर दिखा था। उसका नाम क्या था, जगह का नाम क्या था? वो जिम कॉर्बेट। ये है न्यू टाइप ऑफ डस्टबिन, प्लांट्स वाले उसमें डस्टबिन बना दी। जल्दी आ गई बस। बैठो भाई, यहाँ बैठ जाऊँ? ये ऐसे बस है, बस में हम बैठ चुके हैं। देखते हैं कि हमें टाइगर मिलता है, डियर मिलते हैं कि नहीं। लायन, लेट्स सी। राइड इतनी छोटी है कि गए और आए, शीशे भी टूटे हुए हैं। हाँ, ऑटोमेटिक। अब डर लगेगा। चलो, इन्होंने बोला है कि नहीं दिखा तो पैसे वापस। चलो चेक करते हैं दिखता है कि नहीं दिखता, कि डियर दिखा के बस चुप करा दोगे। शेर और शेरनी मिलेगी यहाँ पर? कोई पैदल तो आता नहीं है ना, ये जंगल ही है पूरा। पैदल अलाउड थोड़ी हो, अलाउड ही नहीं ऑब्वियसली। पर ओ रहा, वो रहा, दिख गया शेर है। शेर, ओ कैसे बैठे हैं, ओपन ओपन। एक को बांध रखा है, एक को बांधा क्यों है? लड़ते हैं। अच्छा, ये दोनों वो हस्बैंड वाइफ होंगे ना? वो उधर जाले में है, एक होएगा प्रेमी उनका। यार ये लव स्टोरी बना दी। ये शेर होएगा, बाल ज्यादा है ना, बाल वाला शेर है। शेर है, ये शेरनी बैठी है, वो अपने पुराने लवर को देख रही है। दो शेरनी है, ये कुछ कहता नहीं बस को। वो रोज आती है हर 10 मिनट में। सो खत्म, गेट खुलेगा ऑटोमेटिक। हाँ अच्छा, खींच रहे हैं बंदा, लगा ऑटोमेटिक है। बस इतनी सी, पता भी नहीं चला। यहाँ है, लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं, ये तो बहुत एक्टिव है। बैठी इतनी सी बिल्ली की तरह, छोटी सी बिल्ली है, तभी इसके लिए केज छोटी है। इन्होंने क्लियरली लिखा है, डू नॉट वेंचर इन द फॉरेस्ट, इट मे बी हार्मफुल। सांप आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। ये इन्होंने स्विंग्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर है डायनासोर पार्क, छत भी डायनासोर पार्क। ये है डायनासोर पार्क, ये ओपन हुआ था 14/2021 को। यहाँ पर लैंड क्रूजर भी रखी है, डायनासोर की डिटेल्स लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पाए जाते थे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया।
डायनासोर के एग्स हैं छोटे छोटे ब्लॉक में, बाल सेट कर रहे हो माइक बोली भी यार। हाँ माइक है, आपकी आवाज़ आएगी पूरी। कैसा लगा आपने आप, मेरे को तो अच्छा लगा और मुझे एक गाड़ी बहुत पसंद आ रही है, मैं इसके साथ फोटो खिंचा के आपको। ये तो मतलब व्यू जबरदस्त लग रहा है। भूल भुलैया है यहाँ से। वाओ अंधेरा सही है। बस इतनी सी बस। अब देखते हैं बड़ा डायनासोर। डायनासोर पार्क नया बना है छत्तीसगढ़ में एंड बहुत अच्छा है। हाँ अभी तो छोटे छोटे डायनो दिखेंगे, अब बड़े बड़े, पूरी फील वही बना रखी है। ये छोटा डाइनो, डाइनो ही डाइनो। ओए आवाजें भी दे रहा है। ये अंडे में घुस चुकी है। हाय वो भाई साहब ये क्या है? ये कैसे है? बंदा डला हुआ इसमें, इसमें बंदा नहीं डला हुआ भाई साहब ये क्या है यार? गोपो तुम्हें पैसे फेंक रखे। इतना बड़ा डाइनो, ओए डस्टबिन भी रखे हुए हैं यहाँ पर। डायनासोर का छोटा सा प्लेग्राउंड है। देयर इज नो प्लैनेट बी ऑनर्स भी यहाँ पर। इधर डियर है और यहाँ पर लिखा है एग्जिट। ये तो डियर है तो ओपन छोड़ रखे हैं। शिट क्यों डरपोक का? इतने सारे डियर है तो जो खड़े हो गए हैं। मैं इनसे डर रहा हूँ? बिल्कुल ही खड़े हो गए सामने। ड्रिंकिंग वाटर कैफेटेरिया आ गया एक और। यहाँ एंटर करते ही मैगी की खुशबू आने लग गई। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है खा ले। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, 5 बजे तक क्लोजिंग टाइम है इसका, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या ये हैन है? ये कर रखे हैं इन्होंने, वाइट पाउडर छिड़का हुआ है और ये ऐसे क्लोजिंग कर रखे हैं। बीमारी होगी इसलिए उनको ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हमने बर्ड पार्क में आपको दिखाए थे पैरट्स, तोते ही तोते। लो फिर से देखो आप अगेन, तोते, तोता अगेन, तोता पार्ट टू। तो ये टॉय ट्रेन है, ये है ऑस्ट्रिच। हेलो शक्ल तो दिखा दे, कितना मछलियाँ खाता है? मछलियाँ यहाँ है, एक्वेटिक बर्ड्स। ये वाली प्यारी है। हाय ओ तेरी कबूतरी, वो कह रहे जाओ जाओ। ओ गलत आ गए बाहर तू, कि हम ब्लॉक के चक्कर में ज्यादा ही फील में आ गए, हम जंगल में घुस गए थे ऑलमोस्ट। तो उन्होंने बोला इधर से जाओ। हाँ यार यहाँ से बंद था। ओ, हम अंदर ही घुस गए थे उनके पिंजरों में। फिर मिलते हैं हमें जानवर लाइव। बचाने वाला नहीं होता। टॉय टॉयज अंदर चलेंगे कहाँ जाएंगे? जगह तो बैठा हुआ है इतना सा क्रोकोडाइल। अच्छा ये रहा, ये मरे पड़े हैं क्या कर रहे हैं?
हाँ बदबू भी बहुत मार रहे हैं। नहीं वैसे भी बदबू आ रही होते हैं, हर्ष भी बना रखी है। मोदी जी की वाइब है, सारे फोटो खिंचा रहे हैं। जो जू है वो मंडे को बंद होता है और आज संडे है, संडे सैटरडे बहुत ज्यादा रश होता है और बट अच्छा है। ये एग्जिट है पर एक फूड प्लाजा भी ओपन होने वाला है कमिंग सून, यहाँ पर आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। बस इतना सा था जू, एक आई थिंक बर्ड सेंचुरी हमारी मिस हुई बट ठीक है। नहीं वो छोटा सा बर्ड का वॉकिंग वॉकेबल था। हाँ। हमने और आपको पैरेट्स वगैरह तो दिखाई दिया आपको सब कुछ। हाँ थोड़ा सा एरिया था बाकी अच्छा लगा मुझे, सबसे अच्छा मुझे डायनासोर वाला एरिया लगा क्योंकि कुछ नया था और बाकी हाँ बर्ड्स और एनिमल सब कुछ है। डियर ओपन थे वो तो हमेशा से खुले ही रहे हैं, जब छोटे थे तब भी वो खुले ही रहते थे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यू शुड कम एंड सतबीर लाइवली है, मेरी मिस्टेक थी, मुझे लगा नहीं चलता होगा, चलता भाई। हाँ इतना क्राउड यार, लेकर आओ बच्चे अपने एंड कीप वॉचिंग आर्टियन पार्ट व्लॉग्स। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एवरी मंडे एंड थर्सडे आप 8:15 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कीप वॉचिंग आर्टियन पार्ट व्लॉग।